नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के हम इस वीडियो में जेल शिफ्ट एसे के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे और इसके पीछे क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको भी काफ़ी सरल भाषा में समझेंगे। साथ साथ यह भी देखेंगे कि किस तरह के सवाल CSIR और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, उस तरह के सवाल को भी डिस्कस करेंगे। और यह मेथड इन बायोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको जानना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि क्या इसकी समझ आपको है, अगर है तो अच्छी बात है, आप चाहें तो कुछ रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जेल शिफ्ट ऐसे है क्या और उससे संबंधित किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो जेल शिफ्ट ऐसे को हम लोग इलेक्ट्रोफ्रेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि जेल शिफ्ट कैसे का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसको किया जाता है। तो इसका यूज जो है, अगर आप प्रोटीन डीएनए या प्रोटीन आरएनए इंटरेक्शन को समझना चाहते हैं तो आप जेल शिफ्ट ऐसे कर सकते हैं। इसी का दूसरा नाम बैंड शिफ्ट ऐसे भी है, जेल मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे भी है, जेल रिटार्डेशन ऐसे भी है और मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे भी है। इसी के मतलब अदर दूसरे नाम है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और एग्जामिनेशन में काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि प्रोटीन डीएनए का इंटरेक्शन को अध्ययन करने के लिए कौन कौन सा टूल को इस्तेमाल किया जाता है। तो जेल शिफ्ट ऐसे का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्रोमेटीन इम्यूनोप्रिसिपिटेशन का इस्तेमाल काफ़ी फ्रिक्वेंटली किया जाता है। क्या कि अगर आपका कोई डीएनए है और ये डीएनए है और डीएनए से कौन प्रोटीन इंटरेक्ट हो रहा है इसकी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए या तो आप जेल शिफ्ट ऐसे कर सकते हैं या क्रोमेटीन इम्यूनोप्रिसिपिटेशन या चिप ऐसे कर सकते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि जेल शिफ्ट ऐसे कब करते हैं, क्रोमेटीन इम्यूनोप्रिसिपिटेशन कब करते हैं। तो जेल शिफ्ट ऐसे के लिए अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं कि डीएनए प्रोटीन का इंटरेक्शन इन विट्रो मतलब आउटसाइड द सेल, अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं कि कोई प्रोटीन और डीएनए इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं, और तो आप जेल शिफ्ट ऐसे कर सकते हैं सेल के बाहर अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं सेल के अंदर विथिन सेल तो उस स्थिति में आप चिप ऐसे कर सकते हैं, वहां पर भी आप डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन को आप अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो जेल शिफ्ट ऐसे और क्रोमेटीन इम्यूनोप्रिसिपिटेशन में एक बेसिक और मेजर डिफरेंस है कि जब भी अगर क्रोमेटीन इम्यूनोप्रिसिपिटेशन आपको करना है तो एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि जेल शिफ्ट ऐसे में एंटीबॉडी की कोई आवश्यकता नहीं होती है और यह सेल के बाहर करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि क्या इसका बेसिक प्रिंसिपल है, किस सिद्धांत पर यह काम करता है। तो इसको समझने के पहले हम लोग थोड़ा सा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेसिक तरीका को सीख लेते हैं जो हमको समझने में थोड़ा मदद करेगा जेल शिफ्ट ऐसे के बेसिक प्रिंसिपल। तो आइए हम यहाँ पर आपको एक कार्टून दिखा रहे, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये जेल है और अगर आपने कभी जेल चलाया है तो इस तरीके से दिखता है, ठीक है। कभी मैं डिटेल डिस्कस करूँगा कि कैसे जेल प्रिपेयर करते हैं, कैसे जेल चलाते हैं, कैसे विजुअलाइज करते हैं, वो बात की बात है। लेकिन सारे परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस जेल में हमने 3 सैंपल लोड किया है, ABC और ये DNA का जेल है। तो आप देख सकते हैं जो डीएनए का बैंड है आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, में बी सैंपल में थोड़ा दूर है और सी में बॉटम की ओर है। तो ये बताता है कि जो स्मॉल साइज के जो डीएनए है वो फास्टर मूव करते हैं और ये हमारा मार्कर है, मार्कर की मदद से हम लोग पता कर लेते हैं कि किस साइज का डीएनए है। सपोज यहाँ फन के लिए हमने 5 KB रखा और यहाँ हमारा क्या है जाके 500 बेस पेयर का, तो रफली हम बता सकते हैं कि हमारा जो सी वाला जो लेन में है 500 बेस पेयर का डीएनए था। साथ साथ इसमें हम बता सकते हैं कि साइज सैंपल ए में 4 KB का डीएनए था।
तो सारे परिस्थितियों में हमने सीखा क्या कि स्मॉल साइज के जो डीएनए हैं वो फास्टर मूव करते हैं, नहीं सैंपल सी में स्मॉल साइज के थे इसलिए फास्टर मूव किया। साथ ही साथ अब बात करें बिग साइज तो स्लो मूव। अब 4 KB का बैंड को आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा क्या स्लो मूव करा सैंपल ए में 4 KB के साइज का डीएनए था, तो बेस्ड अपॉन साइज डीएनए मूव करते हैं। अब बात आगे को समझने की कोशिश करते हैं। अगर डीएनए अगर प्रोटीन से बाइंड कर लेता है, डीएनए अगर प्रोटीन से बाइंड कर लेता है तो उस परिस्थिति में आप पाएंगे कि जो डीएनए प्रोटीन का जो इंट्रैक्शन हुआ बाइंड करके रखा है, इसके वजह से जो माइग्रेशन है वो रिड्यूस कर जाता है इन कंपेयर टू अनबाउंड डीएनए मॉलिक्यूल। माइग्रेशन है जो रिड्यूस कर जाता है, कम हो जाता है इन कंपेयर टू अनबाउंड डीएनए मॉलिक्यूल। जैसे आप एग्जांपल के लिए हमने समझते हैं कि हमने देखा क्या, मैं 3 सैंपल ले रहा हूँ। पहले सैंपल में हमारा सिर्फ ओनली डीएनए है, हम इस सबको इन विवो नहीं कर रहे हैं। तो हमारे टेस्ट ट्यूब में क्या है, हमारा डीएनए है। दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में हमारा क्या है, प्रोटीन है, और हमारा ये प्रोटीन है और वो सेम डीएनए है। और तीसरे वाले प्रोटीन में क्या है, जो बी प्रोटीन है तीसरे वाले सैंपल में, और डीएनए सेम डीएनए। हमने उस समय के लिए इनक्यूबेट किया और डिजायर कंडीशन जहां प्रोटीन इंटरेक्शन करके बाइंड कर सकते हैं क्रिएट किया, और करने के बाद हमने तीनों जेल को चलाया डिफरेंट लेन में, और हम क्या पा रहे हैं कि और साइज ऑफ डीएनए सेम है तो यूजुअली जो बैंड आना चाहिए था सब एक साथ आना चाहिए था, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि ऊपर सिंक कर गया। क्या कारण है इसके? कारण काफी सिंपल है कि पहले वाले में कुछ भी नहीं है तो अपने पोजीशन पर आया, है ना, जो इसका साइज का पोजीशन था वह पड़ा गया। दूसरा ये प्रोटीन हमने डाला लेकिन ये डीएनए से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है और कोई इंटरेक्शन नहीं है, इसके वजह से फिर अनबाउंड डीएनए अपना सेम पोजीशन पर आ गया। लेकिन हमने जो बी प्रोटीन को डाला डीएनए के साथ तो हम देख रहे हैं कि ये डीएनए थोड़ा सा शिफ्ट कर गया, ऊपर आ गया। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये हमारा बी प्रोटीन डिजायर डीएनए के साथ इंटरेक्ट कर रहा, और इंटरेक्शन के साथ ये मॉलिक्यूल जो बाउंडिंग हुआ डीएनए प्रोटीन का, इसके वजह से अपना पोजीशन पर जब जेल चला रहे थे तो नहीं आया, क्योंकि इसका साइज कंपैरेटिवली दोनों का बढ़ गया और इस वजह से थोड़ा वो पीछे ही रह गया। तो ये एक तरीका है पता करने के लिए कि प्रोटीन और डीएनए का इंटरेक्शन हो रहा या नहीं। अगर हो रहा इंटरेक्शन तो जेल अपने डिजायर पोजीशन से शिफ्ट कर जाएगा, शिफ्ट मतलब वो पहले ही रहेगा, वो आगे नहीं आएगा। और ऐसा इसलिए होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये साइज उसका कंपैरेटिवली बढ़ गया इंटरेक्शन से डीएनए और कॉम्प्लेक्स के चलते बढ़ गया। चलिए सरल भाषा में हम लोग ऐसा कर सकते। अब बात आती है कि प्रोटीन जो है जो शिफ्टिंग है इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ प्रोटीन इन रियल लाइफ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटीन हमने डाला इंटरेक्ट कर रहे हैं तो और शिफ्ट करेगा, साथ साथ क्या साइज है प्रोटीन का, क्या शेप है, ये सारे महत्वपूर्ण रोल करते हैं एक्सटेंट ऑफ मोबिलिटी, है ना, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो सारे परिस्थितियों में जो टेक होम मैसेज है, अगर इंटरेक्शन होगा शिफ्ट होगा, नई इंटरेक्शन होगा जेल के बैंड का शिफ्टिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने देखा नो इंटरेक्शन और यहाँ पर इंटरेक्शन की वजह से आप उसको शिफ्टिंग को देख रहे हैं। आप चाहें तो जेके बायोलॉजी क्लास में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, मेथड इन बायोलॉजी के सेक्शन को, काफी महत्वपूर्ण वीडियो बिल्कुल सरल भाषा में बताए गए हैं। और आप चाहें तो हमारा क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस की सुविधा मौजूद है। आइए हम अब लोग बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट सवाल को और उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यह सवाल 2017 में पूछा गया था। अगर आप जेल मोबिलिटी शिफ्ट रेशियो को समझते हैं तो काफी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो वास्तव में आप देख सकते हैं कि हमारा ये जेल का पिक्चर है ना, और यह नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है ना, और ए बी सी 3 प्रोटीन है और सैंपल इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है, पहला सैंपल, दूसरा सैंपल, तीसरा सैंपल, चौथा सैंपल, पांचवा सैंपल, छठा सैंपल और ये 7वां सैंपल है, और 7 लेन में आपको चलाया गया डिफरेंट कंडीशन।
आपको बताना है कि क्या मतलब इंट्रैक्शन इस तरह का हो रहा है या नहीं हो रहा है। बेसिक यही सवाल है, लेकिन हम फिर भी इसको देखते हैं। रिसर्चर वर्किंग विद 3 प्रोटीन एबीसी, चलिए एबीसी 3 प्रोटीन है, विच में हैव अ पोटेंशियल रोल इन जीन एक्सप्रेशन, जो प्रोटीन है वो जीन एक्सप्रेशन में रोल प्ले करता है, और इसको वैलिडेट करना चाहते हैं ईएमएसए इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी सिफ्टेसे से परफॉर्म किया गया। अगर इंट्रैक्शन होगा तो शिफ्टिंग होगा, नहीं इंट्रैक्शन होगा तो कोई शिफ्टिंग नहीं होगा, और इंट्रैक्शन होगा तभी जीन के एक्सप्रेशन घटना या बढ़ना बात की बात है। द प्यूरिफाइड प्रोटीन वेयर अलाउड टू बाइंड द लेबल डीएनए एंड रिजल्ट ऑब्टेंड द ऑटोरेडियोग्राफी शोन इन फिगर और फॉलोइंग इंटरप्शन इंटरप्रिटेशन आर मेड। तो आपको बताया गया है कि ये पॉसिबल ऑप्शन है और उसमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चूज करना है। इस बात को सीखने के पहले जेल को बहुत बेसिक तरीके से एनालाइज करते हैं। पहले वाले लेन में कोई प्रोटीन नहीं डाला गया, नेगेटिव का मतलब कोई प्रोटीन नहीं डाला गया है, और आप उसका पोजीशन देख सकते हैं। अब दूसरी बड़ी बात, बी का प्रोटीन डाला गया है और फिर भी जेल का शिफ्टिंग नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बी प्रोटीन डीएनए से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर बात करें सी पोजीशन की, तो सी पोजीशन में देखते हैं ये प्लस प्लस मतलब सी पोजीशन में ऐड किया गया, क्या ऐड किया गया है? सी प्रोटीन ऐड किया गया है तीसरे लेन में, और ये भी प्रोटीन डाला नहीं गया है। तो एक लाइन तो ये भी हम बोल सकते हैं कि सी प्रोटीन डीएनए के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। तो हमने अभी तक देखा क्या कि बी और सी प्रोटीन इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये बात कंफर्म हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं फोर का। फोर में प्लस ए प्रोटीन डाला गया सैंपल में, और देखा गया कि जेल अपने पोजीशन से क्या हो गया, शिफ्ट कर गया। नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोटीन है आपका डीएनए से इंटरेक्ट कर रहा है, और डीएनए बाइंडिंग मोटिव जो है वो ए प्रोटीन को बाइंड कर रहा है। ठीक है, अगर दोनों प्रोटीन को डाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि फर्दर शिफ्टिंग आपको देखने को मिल रहा है। क्या कारण है हम लोग देखेंगे, एनालाइज करेंगे। लेकिन बी और सी को दोनों को डालते हैं तो कोई शिफ्टिंग नहीं होता है, जबकि आप देखिए ए और सी को डाला गया तो क्या है, शिफ्टिंग देखने को मिलता है। लेकिन इंडिपेंडेंट तरीके से आप पाएंगे कि नहीं मिल रहा था सी नहीं। अब देखिए, अब आपको एनालिसिस करते हैं तो क्या बोलता है, प्रोटीन ए पोजेसेस डीएनए बाइंडिंग मोटिव, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है कि आप इस लेन को देख सकते हैं, चार वाले लेन को, और ये प्रोटीन है तो आपको शिफ्टिंग देखने को मिल रहा है। अब बात करें प्रोटीन बी पोजेसेस डीएनए बाइंडिंग मोटिव, नहीं ये सही नहीं है। और क्यों सही नहीं है, किस लेन को आप देख के बता सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भाई इस लेन को देखने के बाद हम बता सकते हैं कि भाई ये प्रोटीन इंटरैक्ट नहीं कर या डीएनए बाइंडिंग मोटिव नहीं है। अब बात करते हैं प्रोटीन बी बाइंड्स डीएनए एंड प्रोटीन ए कॉम्प्लेक्स। अब देखिए इस लेन को देखिए, ए और बी डालते हैं दोनों को, तो फर्दर शिफ्टिंग देखने को मिल रहा है। क्यों शिफ्टिंग को मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है इंडिपेंडेंट तरीके से तो बी बाइंड नहीं कर रहा, लेकिन डीएनए और प्रोटीन ए है उस परिस्थिति में उस कॉम्प्लेक्स को फर्दर बाइंडिंग कर रहा है, इसलिए फर्दर आपको शिफ्टिंग देखने को मिल रहा है। तो ये भी लाइन आपका क्या है, सही है, क्योंकि फर्दर शिफ्टिंग इंडिपेंडेंट रूप से नहीं बाइंड कर रहा है। कौन इंडिपेंडेंट, प्रोटीन बी, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स को बाइंड कर रहा है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जितने नंबर ऑफ प्रोटीन बाइंड करेंगे और ज्यादा शिफ्टिंग आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं प्रोटीन सी बाइंड्स डीएनए, प्रोटीन सी बाइंड्स डीएनए ओनली व्हेन ए इज बाउंड। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, जो कि सही नहीं है। तो अब बात करें तो कौन कौन आपके ऑप्शन सही हुए, ठीक है, आपके ऑप्शन वन और थर्ड जो कि सही हुए, तो ये आपका जो दूसरा होगा आपका करेक्ट आंसर हुआ। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, यह हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।